राजस्थान के क्राइम वर्ल्ड में उभरी लेडी डॉन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। करौली की 19 साल की रेखा मीणा को तमंचे पर डिस्को के साथ शराब पार्टी का शौक है और गैंगवार उसका पेशा। फेसबुक पर लाइव होकर विरोधी गैंग को सरेआम धमकियां देती है। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर रेखा इतनी भद्दी गालियां देती है कि सुनने वालों के कान फट जाएं। पुलिस ने पहली बार शिकंजे में आई रेखा की हिस्ट्री खंगाली तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस तकरीबन 2.5 महीने से रेखा के छिपने के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। टोडा भीम के नांगल लाट की रहने वाली रेखा की मां की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। गांव में पिता खेती कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। जयपुर के जगतपुरा में रहकर स्कूली पढ़ाई करने वाली रेखा कब क्राइम की दुनिया में चली गई उसके पिता को पता नहीं चला। सोशल मीडिया पर रेखा जयपुर के एक नामी स्कूल से पढ़ाई करने की बातें बड़े शान से बताती है। फेसबुक लाइव होकर रेखा अपने विरोधी गुटों पर गालियों की बौछार करती है। दबदबा ऐसा है कि जब वह लाइव होती है तो सामने वाले बदमाश चुप्पी में ही भलाई समझते हैं। पूरे करौली में उसका खौफ है। करौली ज़िले में बच्चे से लेकर बुजुर्ग की जुबान पर लेडी डॉन रेखा का नाम है। पिछले 6 महीने से लेडी डॉन के चर्चे कम नहीं हुए। छोटी हो या बड़ी पार्टी, शुरू हुई तो रेखा के नाम से और ख़त्म भी उसी के नाम पर। रेखा फेसबुक और यूट्यूब पर भी आगे है। लड़ाई झगड़े तो मामूली बात है, तमंचे पर डिस्को कर रील्स बनाने वाली रेखा बड़े बड़े बदमाशों की बोलती बंद करने में समय नहीं लगाती। सोशल साइट्स पर रेखा के फॉलोअर्स कम नहीं है। लाइव होते ही डॉन के चहेते उसका वीडियो शेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर रेखा के बारे में युवाओं में काफ़ी क्रेज है और वह खुद अपने जयपुर से लेकर गोवा तक के घूमने की रील्स डालती है। उसके चहेते भी पता चलते ही रील्स डालने में कम नहीं है। रेखा का कहना है कि छुपकर वार क्या करना, सामने आकर लड़ने वाला मर्द है। राइडिंग का शौक रखने वाली रेखा मीणा को स्पोर्ट्स बाइक और लग्जरी कार पसंद है। रेखा जो कहती है वो करके दिखाती है। करौली में धोखे से गैंगवार करने वाले बदमाशों को जयपुर के जगतपुरा में लड़ने की धमकी तक देती है। असल में 28 सितंबर की शाम बदमाश अनुराज एक दर्जन साथियों के साथ हिस्ट्री सीटर पप्पू मीणा और पीएल भड़का के घर गया था। उसने पप्पू के पेट में गोली मारने के साथ ही उसके परिवार से मारपीट की थी। 1 नवंबर को पुलिस ने मामले में फरार अनुराज को गिरफ्तार किया था। तब जांच में सामने आया कि रेखा के कहने पर अनुराज ने ऐसा किया। रेखा के कहे अनुसार वीडियो भी बनाया लेकिन उसे शेयर नहीं किया। तभी से पुलिस रेखा की भी तलाश कर रही थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले। राजस्थान के क्राइम वर्ल्ड में उभरी लेडी डॉन आखिरकार पुलिस